नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे डॉक्टर यशवंत सिंह पारमर यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो कि हिमाचल प्रदेश में है नौनी सोलन में, उसके सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। कहने का मतलब है जो भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में या अलग अलग ब्रांच में कितने सीट्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं मार्कर से हाईलाइट कर दूँगा, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर जो कि नौनी सोलन में है, इसमें जो BSc हॉर्टिकल्चर में नॉर्मल सीट्स जो हैं, टोटल नॉर्मल सीट्स 42 हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स 70+4+2 हैं, और 4 पे जो स्टार मार्क्स दिया गया है, मतलब वो सीट्स जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए है, नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सिमिलरली जो 2 सीट्स पे डबल स्टार हैं, वो सीट्स जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के रीजन के स्टूडेंट्स के द्वारा रिजर्व है, उनके लिए रिजर्व है। और यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर द वार्ड सर्विंग या रिटायर्ड CAPF पर्सनल के लिए 2 सीट्स हैं, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए 1 सीट रिजर्व है, और पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए 1 हैं। सिमिलरली यहाँ पर देख सकते हैं, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री नौनी सोलन में BSc फॉरेस्ट्री के लिए नॉर्मल सीट्स 42 हैं, और सेम इसमें भी है सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स का, जैसे 70+4+2, और सिंगल स्टार डबल स्टार का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, एक बार मैं बता चुका हूँ। और सेम है वार्ड सर्विंग या रिटायर्ड CAPF पर्सनल के लिए सीट्स 2-2, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए भी 1, सिमिलरली पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ इसके लिए भी 1 है। और यहाँ पर देख सकते हैं, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नेरी हमीरपुर में आपका BSc इन हॉर्टिकल्चर में नॉर्मल सीट्स 25 हैं और सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स 50 है। सिमिलरली BSc इन फॉरेस्ट्री में 25 नॉर्मल सीट्स और 50 सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स हैं, और BTech इन बायोटेक्नोलॉजी में 20 सीट्स हैं नॉर्मल और 20 सीट्स सेल्फ फाइनेंसिंग, और BTech इन फूड टेक्नोलॉजी में 10 सीट्स नॉर्मल हैं, 20 सीट्स सेल्फ फाइनेंसिंग है। सिमिलरली कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री थुनाग मंडी में है, यहाँ आपके इस कॉलेज में जो BSc हॉर्टिकल्चर में 25 सीट्स नॉर्मल हैं, 40 सीट्स सेल्फ फाइनेंसिंग है, और BSc फॉरेस्ट्री में 10 सीट्स नॉर्मल है और 15 सीट्स आपके सेल्फ फाइनेंसिंग है, और बाकी वार्ड सर्विंग या सिंगल गर्ल चाइल्ड या बाकी सारे जो हैं सेक्शन इसमें सेम है, इसलिए मैंने बताया नहीं है सेपरेट करके, बस आपका वार्ड सर्विंग में नीचे एक कम है, 1-1 करके है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है एडमिशन लेने के लिए। आपका 10+2 होना चाहिए, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए उसमें 10+2 में, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, मतलब बायोलॉजी या मैथमेटिक्स में से कोई एक, और ये इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों होना चाहिए, ये कंपलसरी है, और उसके साथ बायोलॉजी या मैथमेटिक्स में से कोई एक, या तो बायोलॉजी और या मैथमेटिक्स, कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, और मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, और वहीं SC ST या PH या थर्ड जेंडर के लिए 45% क्राइटेरिया है मार्क्स का 10+2 में आपका। और एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं, द नॉर्मल सीट्स शैड बी फिल्ड थ्रू इंट्रेंस टेस्ट्स शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 18 जून 2023 संडे, और जो नॉर्मल सीट्स जो मैंने अभी बताया ऊपर, ये जो भी नॉर्मल सीट्स हैं, तो इस नॉर्मल सीट्स पर जो भी एडमिशन्स होंगे वो 18 जून 2023 जो कि संडे को एग्ज़ाम होगा, ये यूनिवर्सिटी खुद लेगी एग्ज़ाम, तो उसके बेसिस पे एडमिशन्स होगा उस नॉर्मल सीट्स पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, द नॉर्मल सीट्स विल बी फिल्ड थ्रू द एंट्रेंस टेस्ट शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 18 जून 2023 संडे, फॉर विच ओनली बोनाफाइड या रेजिडेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश आर एलिजिबल टू अप्लाई या अपीयर। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो नॉर्मल सीट्स हैं उस पे सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश के रेजिडेंट्स के जो स्टूडेंट्स होंगे, मतलब हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए ही वो सीट्स एलिजिबल हैं जो नॉर्मल सीट्स हैं। और द कैंडिडेट्स हैव अपीयर्ड इन 10+2 विद अबव सब्जेक्ट्स इन द ईयर 2023 आर एलिजिबल टू अप्लाई, एंड द सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स विल बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन 10+2 लेवल इन इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। द सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स आर ओपन फॉर ऑल द नेशनल लेवल एक्सेप्ट द सीट्स स्पेशली रिजर्व फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी नॉर्मल सीट्स यहाँ पे बताए गए थे, तो इस नॉर्मल सीट्स पे एडमिशन्स सिर्फ हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स को ही मिल सकता है, और जो भी सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स हैं
उस पे एडमिशन्स बाकी किसी भी स्टेट्स के स्टूडेंट ले सकते हैं, सिर्फ उस जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो सीट्स थे उनको छोड़कर। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।